मंगलवार को रांची से बनारस के लिए तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि राजधानी से तीसरी नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। आज पूरे देश में 10 नए ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें रांची से बनारस के लिए भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। वहीं वंदे भारत ट्रेन से लोग अब महज 7 घंटे में ही सफ़र कर पाएंगे। इस ट्रेन का कलर केसरिया है। मौके पर मौजूद सांसद संजय सेठ ने कहा कि कुछ दिन पहले वादा किया था वो आज पूरा हुआ। आज सिर्फ 10 वंदे भारत की शुरुआत हुई है, उसमें एक रांची का भी नाम शामिल है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि देश में बहुत कम राजधानी है जहां से 3-3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो कोशिश करेंगे कि रांची से पुरी के बीच चौथे वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा सके। इस बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी आने वाले दिनों में कहा कि झारखंड के ट्रेन जल्द ही कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर कर बेटर। सांसद संजय सेठ ने कहा कि भारतीय रेल विश्व स्तरीय है, अब वह दिन दूर नहीं कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन भी चलने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में जितने भी वादा किए हैं वो सभी को पूरा करेंगे। देख सकते हैं प्रगति की रूपरेखा और आपने देखा स्क्रीन पे उपलब्धियों को किस तरह से दर्शाया गया है। हमारे बीच हमारे नेता दल प्रधानमंत्री जी तीव्र गति से करने का काम करते हैं। मुझे याद है कि आज से कुछ ही दिनों पहले इसी प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर संजय सेठ जी ने कहा था कि मैं मंत्री जय बालाजी इंडस्ट्रीज एनटीपीसी दारीपल्ली एवं उड़ीसा मिटाली पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल और नेपुर सेवी एवं